हरियाणा विधानसभा चुनाव नजदीक है। चुनावी रण को फतह करने के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों ने कमर कस रखी है। इसके मद्देनजर लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के पहले स्थापना दिवस के मौके पर गोहाना में रैली का आयोजन हुआ। रैली में पार्टी सुप्रीमो राजकुमार सैनी ने विधानसभा चुनाव का बिगुल फूंकते हुए विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा। ये पे सबका साथ सबका विकास और कांग्रेस वाला ने कहा, कांग्रेस का हाथ गरीब के साथ, लेकिन हर किसी ने इस कमजोर तबके को मसला। आज भी ये 11% पे कांग्रेस के समय से लेकर के आज भी ये 11% पे ही हैं, और वो भी क्लास 3 और क्लास 4 में। और हरियाणा प्रांत के अंदर तो 90% लोगों को मसल के रख दिया। 10% लोगों ने अपने 5 मुख्यमंत्रियों की बदौलत 55% के ऊपर कब्जा कर रखा है। विधानसभा चुनाव में सभी राजनीतिक दल जीत का दावा कर रहे हैं। सत्तारूढ़ बीजेपी ने चुनाव में 75 सीट जीतने का लक्ष्य रखा है। वहीं बाकी पार्टियां भी चुनावी समर में ताल ठोक रही हैं। अब देखना होगा कि हरियाणा के रण को कौन फतह करता है। गोहाना से R9 TV के लिए राहुल सैनी की रिपोर्ट।